पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष बहुत लोगों के द्वारा उनके मोबाइलों को ढूंढकर उन्हें वापस दिलाने का निवेदन आए दिन करते हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा जल्द से जल्द मोबाइलों को खोजकर उन्हें फरियादियों को वापस दिलाने के लिए जिले की साइबर सेल टीम को निर्देश दिए गए। साइबर सेल टीम निर्देशों का पालन करते हुए मोबाइलों को खोजने में लगातार जुटी है और अभी तक गुम हुए मोबाइल को खोजकर उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। पुलिस के द्वारा गुम हुए मोबाइलों को खोजने में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कुछ दिनों में 40 और गुम मोबाइल खोज निकाले गए हैं। खोजे गए मोबाइलों को गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा आज सुबह कंट्रोल रूम के सभाकक्ष में मोबाइलों के असली मालिकों को वापस लौटा दिया गया है। खोए हुए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी की झलक अलग देखने को मिल रही है। पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए देखने को मिल रहा है कि शहर में अब अपराधों पर नियंत्रण होने के साथ अपराधियों के बुलंद हौसले में भी डर की झलक देखने को मिलेगी। गुना पुलिस द्वारा आपका मोबाइल खोज कर लौटाया गया है, इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? मैं सर पुलिस वालों को सभी के लिए साहब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो साइबर सेल ने जो मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये मोबाइल साहब ऐसा नहीं है कि गुम जाए और तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है साहब। हमको भी बहुत खुशी होती है, हम तो छोड़ देते हैं कि चलो चला ही गया मोबाइल, मगर आप लोगों की मेहनत से साहब हमको जो मोबाइल मिला है उसके लिए साहब हम बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। आज आपका मोबाइल पुलिस ने खोज कर दिया है, इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मेरा मोबाइल 6 महीने बाद जो वापस मिल गया और गुना पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है कि जो सभी के अंदर खुशी का माहौल है कि उनके मोबाइल मिल गए, इससे पुलिस में विश्वास भी होता है आम जनता के प्रति और चोरों में भय भी रहेगा कि कोई भी चीज़ उपयोग नहीं कर सकती आप।